जय हिंद साथियों, आज हम फिर से करने वाले हैं कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इससे पहले मैंने कई सारे पार्ट बना दिए हैं कंप्यूटर का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाइए, आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखा है तो जाइए कंप्यूटर के प्ले में जाकर उस क्लासेस को सभी को देख लीजिए और नोट बना लीजिए जो क्वेश्चन नहीं पता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे गए हैं मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये क्लासेज। और क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना और घंटी को बेल को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी क्लासेस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन में ये चीज मिलता रहेगा हमेशा के लिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा कि अगर आप आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? जो कि आर्मी क्लर्क इंग्लिश में जो भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसका जो फी है मात्र 500 है, जिसमें कि आपका पैसेज, ग्रामर के जितने भी पार्ट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो भी सिलेबस में है सारा चीज हो जाएगा। सयोन एंटोनिम सभी कुछ इसमें ही हो जाएगा आपका, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके क्लास को आप ज्वाइन कर लें। अगर आप कहीं भी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? देखिए, आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया किसने किया? विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो निर्माण किसने किया था? ऑप्शन जो है, पहला आपका आईबीएम, आईबीएम, एससीएल, सीआरसी या सी डेक, बताइए किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सुपर कंप्यूटर का जो सबसे पहले जो निर्माण किया था वो किसने करा था? ये करा था सी डैक ने करा था। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका आंसर है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो बनाया गया कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है परम पदम, पहला दूसरा है फ्लो सॉल्वर या चिप्स या अनुपम, कौन सा है? तो आपका आंसर में से है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपका आंसर है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है? सभी क्वेश्चन का, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ क्लासेस हो रहा है यहाँ पर, सभी क्वेश्चन का कमेंट जरूर करें अगर आपका एग्जाम सामने में है तो। अगर क्वेश्चन नहीं पता नहीं है तो क्वेश्चन को रिवीजन भी आप जरूर कर लें, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा किया गया था? डिजिटल कंप्यूटर का जो विकास किया गया था, डेवलप किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? क्या रूस के द्वारा किया गया था, ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, यूएसए के द्वारा किया गया था, या फिर जापान के द्वारा किया गया था? तो नोट कर लीजिए, विश्व में जो डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया था वो ये किया गया था यूएसए के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी करे हैं, जिस बच्चे ने करे हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो आपको आंसर लग रहा है आंसर कमेंट जरूर करें। इंडियन बिजनेस मशीन, या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन, या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो याद कर लीजिए कि आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, हॉर्लिप, लेबनीज और ब्लेज पास्कल। तो याद कर लीजिए, याद भी होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, आपको कंप्यूटर सबसे पहला क्वेश्चन माना जाता है क्वेश्चन का, कि कंप्यूटर का जनक जो माना जाता है चार्ल्स बैबेज को माना जाता है, चार्ल्स बैबेज को माना जाता है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया कहाँ पर किया गया? यहाँ पर है कहाँ पर किया गया, ठीक है? भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है कहाँ किया गया, कौन सी जगह पर किया गया? क्या चेन्नई में किया गया, या बेंगलुरु में किया गया, दिल्ली में, या फिर पुणे में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि पुणे में किया गया था। यानी कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में कराया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? द आईसी चिप इज यूज्ड इन द कंप्यूटर इज मेड ऑफ, यानी किसका बना होता है? क्या सिलिकॉन का, पर्ल का, या स्वर्ण का, या इनमें से कोई नहीं? किसका बना होता है? ये बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आप कंप्यूटर जो होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको एग्जाम के लिए बस थ्योरी पढ़ना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं क्या कंप्यूटर का मुझे कोर्स करना चाहिए, मैं बोलता हूँ कंप्यूटर का कोर्स नहीं, आप बेसिक सा कोर्स कर लो, करना है तो कर लो। अब बेसिक आपका थ्योरी जो है ना, थ्योरी पूछा जाता है आपको, इजी लेवल का पूछा जाता है। इसलिए
अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए आप कंप्यूटर का अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 700 से 800 क्वेश्चन करीब हैं उसमें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी इसके अलावा बुक है, आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए है, इसका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, ये सब चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी नंबर लेने के लिए इस नंबर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था, ठीक है, पहला जो गणक यंत्र था, ऑप्शन जो आपके पास है, अबेकस है, एनियक है, मार्क वन है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? ये है अबेकस, यानी कि पहला गणना जो करने वाला मशीन था, कैलकुलेटर था, ये था अबेकस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, क्या डिजिटल संकेतों का, या एनालॉग संकेतों का, या डिजिटल और एनालॉग यानी कि ए और बी दोनों, या किसी का नहीं, किसका किया जाता है, ये क्या आता है, यानी कि डिजिटल का भी और एनालॉग का भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, क्या IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने, या फिर SCL ने किया, किसने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो किया, ये किया ये इंटेल ने किया था, किसने किया था, इंटेल ने किया था, ठीक है। चलिए अगला है, IBM क्या है, IBM क्या है, एक चिप है, एक कंपनी है, या फिर कंप्यूटर का एक प्रकार है, या मेमोरी डिवाइस है? तो देखिए, तो याद कर लीजिए, IBM जो है एक कंपनी है, कंप्यूटर क्षेत्र में एक कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है, देखिए SSIC या फिर MSIC या फिर VLSIC या फिर ULSIC क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना, इसके फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देखिए मैं बता रहा हूं, इसका होता है अल्ट्रा लार्ज, याद कर लीजिएगा, लार्ज स्केल, क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड क्या होता है, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यहां देखिए आ गया, नेक्स्ट स्लाइड आ गया था, यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसे आईसी कहते हैं, ठीक ना। यानी कि देखिए अल्ट्रा क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, चार्ल्स बैबेज को, लेडी एड अगस्ता को, बिल गेट्स को, या IBM कंपनी को, किसे माना जाता है? ये माना जाता है लेडी एडा अगस्ता को माना जाता है, लेडी अगस्ता के नाम से जाना जाता है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी अगस्ता को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया क्या किया गया यानी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यानी कि AI का, या BI का, या फिर CI का, या फिर DI का। तो याद कर लीजिए AI का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, इसमें क्या जाएगा आर्टिफिशियल, जिसमें कि अपना उसका कॉमन सेंस उसमें होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में क्या होते हैं, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, या सुपर कंप्यूटर होते हैं, क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए होता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इस तरह से अभी 15 क्वेश्चन करा है, तो इसमें से आपका स्कोर कितना सही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।